बिलीव दैट दिस इज माई वॉइस नेम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपके सामने बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ है, जॉय लिडनर हमारे बीच नहीं रहे गाइस, जो कि जॉय एस्थेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, कल 1 जुलाई 2023 को एक न्यूज़ आई थी और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे, मैंने इनको फॉलो किया है तो मैंने इनकी गर्लफ्रेंड का ये पोस्ट देखा था। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा कि कैसे यार, अभी तो इस बंदे ने वीडियो बनाई थी और अपनी वीडियो पे इसने बताया था कि मतलब ये कैसे करना है और ये वर्कआउट कैसे होगी, और आज ही ये न्यूज़ मैंने देखी। और इन्होंने, इनकी जो गर्लफ्रेंड है, उन्होंने फिर पोस्ट किया था। इसमें सारी पोस्ट उनकी मैंने पढ़ी थी, आई स्टिल कांट बिलीव दिस, जो कि 2 आवर्स अगो इन्होंने डाला है। मतलब आज इनका निधन तो हो गया है और इनकी गर्लफ्रेंड अभी इनके साथ है गाइस। उन्होंने जो जो पोस्ट किया है मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा और इस पर कवर भी करूंगा। ये आप देख सकते हैं गाइस, 9 आवर्स अगो की ये जो इन्होंने स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, इनकी गर्लफ्रेंड ने, इन्होंने सारी बातें रखी है, उनको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नेक पे सबसे ज़्यादा पेन हुआ था, उसके थ्रू फिर इनके चेस्ट पे हुआ था, राइट। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, वो साइज़ गेन करता रहता है। जैसे जैसे आप उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाती रहती है, पंप होता है, तो वो हार्ट बढ़ता रहता है। हार्ट की वजह से जो प्रेशर जाता है वो हमारे दिमाग के कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट होते होते जो उनकी दिमाग की जो ब्लड वेजल होती है वो पॉपअप हो गई थी गाइस। पॉपअप होने के साथ इनके जो पूरे दिमाग में ब्लड ही ब्लड, खून ही खून भर गया था। उस वजह से इनकी मतलब डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, सांसें चल रही थी, बट क्या कर सकते हैं, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे गाइस। ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा गाइस। इन्होंने एक चैट भी करी थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आप देख सकते हैं गाइस। आई जस्ट हर्ट माई सेल्फ विथ माई आर्म और चेस्ट, आई डोंट नो सम हाउ टेंडन विथ दैट BMX स्टफ, आई एम टू बिग फॉर दिस नाउ लुक्स लाइक, एंड द इम्पैक्ट आर हार्ड वैन लैंडिंग। सो ये था उनका, ब्लड वेसल जो थी वो मतलब पॉपअप हो गई थी गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लो होके और वो फट गई थी गाइस, आप देख सकते हैं। आप इस पोस्ट को, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए गाइस, बहुत ही ज़्यादा दुखद न्यूज़ है। 8.7 मिलियन फॉलोवर्स थे इनके इंस्टाग्राम में, आप देखिए कितनी कितनी वीडियो पे इनके मिलियनों लाइक्स आते थे और व्यूज़ आते थे। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा गाइस। देखो गाइस, हाई एंड डिवाइस में मैं यूज़ नहीं करता तो मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके किया है गाइस। कुछ भी कहो, ये हमारे बीच में तो रहेंगे ही रहेंगे गाइस, आप देख सकते हैं गाइस। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी बहुत सी वीडियो बनाई है, आइसबर्ग चैलेंज भी किया है इन्होंने, राइट। तो ये जो आइस टॉप का चैलेंज था, ये ऐसे ऐसे चैलेंजेस करते थे, और सबसे मेन इनका जो था वो था चेस्ट वेव करना, जैसे फ्लैग वेव होता है ना, वैसे ही अपने चेस्ट को वेव करते थे। ये देखिए गाइस, आप इसमें देखिए, ये देखिए कैसे वेव कर रहे हैं, दिस इज़ ऑसम, राइट। ये आज तक कोई नहीं कर पाता था, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में फेमस हो गए थे गाइस। साथ साथ इन्होंने कॉम्पिटिशन्स भी बहुत से लड़े थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन लड़ा था इन्होंने। तो आप देखिए, ये जो जिनके साथ ये कर रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है, राइट। आप इनका मेंशन देख सकते हैं, मैंने आई थिंक इन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं गाइस इनकी पहले की फ़ोटो से लेके अभी तक की जर्नी जो भी रही है, आप इसमें देख सकते हैं गाइस। ये देखिए, इन्होंने सारी अपडेट्स इसमें दी है, तो इतनी कम उम्र में जाना ये बहुत ही दुखद है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हो रखी है, तो पहले आप ये वीडियो दियो। Now I come back into the gym and now I don't know how I can go inside the locker room without running around here half naked. They are happy to see you half naked here, babe. तो गाइस देखा होगा आपने, ये
वो वाली जो वीडियो मैंने आपको इसमें ऐड करी थी वो लास्ट वीडियो थी उनके गर्लफ्रेंड के साथ, उन्होंने खुद मेंशन किया है गाइस उसमें, आप देख सकते हैं। और आप ये वीडियो भी देखिए गाइस जो अभी मैं इस क्लिप में ऐड करता हूँ। So this is crazy, right? That it's moving like this. But look at this one, bro. I can even play the piano myself. And it's moving, and I'm just thinking, like, how is it doing this, you know, and how can I fix it? But no one would be able to explain this to me. So I just keep doing it. तो गाइस ये थी उनकी कहानी, उनके स्टार्टिंग से लेके और उनके डेथ तक की, जो कि बहुत ही सैड न्यूज़ था। आपने देखा होगा जो उनकी जो लास्ट वीडियो थी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, उन्होंने खुद मेंशन किया था, आई कांट बिलीव दिस इज़ माय लास्ट वीडियो विद यू। सो गाइस मैं नहीं चाहता कि मतलब हमारे इंडस्ट्री में जो भी इतने फेमस इन्फ्लुएंसर बॉडी बिल्डर एस्थेटिक्स है मेंस फिजिक के, मतलब ऐसे इतनी कम उम्र में कोई 25 में जा रहा है, कोई 30 में जा रहा है, कोई 21 में, और कोई कोई तो 24, 18, 19 में चले जाता है गाइस। सो गाइस आपने देखा भी होगा कि पहले भी बॉडी बिल्डिंग में जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग मिस्टर ओलंपिया में जितने भी एथलीट थे वो कैसे उनके मतलब हार्ट स्ट्रोक आ गया है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है, तो इस वजह से उनकी डेथ हो रही है गाइस। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी की डेथ हो, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है डीपली, आप समझ सकते हैं गाइस, क्योंकि इतनी मेहनत करता है वो इंसान, इतने पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, चलो हेल्थ है तो पैसा आ जाएगा, बट यार हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए गाइस। तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं गाइस, मैं उसको प्रमोट नहीं करता कि आप वो लो, वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसको नेशनल लेवल पे कंपटीशन कंपीट करना है वो उसको ले सकता है गाइस। स्टेरॉइड देखिए लीगल स्टेरॉइड भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं, अगर आप लीगल ले रहे हो तो आपको बहुत से प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है गाइस, डॉक्टर की सलाह के लिए उनको फीस चार्ज करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि जब तक आप फीस चार्ज नहीं करोगे डॉक्टर आपको बताएगा नहीं कि आपको ये कैसे लेना है, खुद से आप नहीं ले सकते, किसी की गाइडेंस आपको ज़रूर चाहिए होती है, या तो अपने अच्छे कोच की गाइडेंस, डॉक्टर की, ठीक है, जो एथलीट आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे इसको कंज्यूम करना है तो आप वैसे ले सकते हैं, क्योंकि जॉय एस्थेटिक्स इतनी कम उम्र में जा सकते हैं ये हमने कभी सोचा नहीं था गाइस, पर क्या कर सकते हैं, हम उनको रोक भी नहीं सकते गाइस, कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए विश कर सकते हैं गाइस, सिर्फ मेरे साथ 2 मिनट उनके लिए विश करिए कि उनकी जो सोल है उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिले जहाँ पे भी वो रहें गाइस। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ, तो प्लीज़ प्रे करना मत भूलना उनके लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ कहीं भी है ना जॉय एस्थेटिक्स वो वहाँ पे खुश रहे, आई थिंक हमारे हिसाब से वो अपने अच्छे प्लेस में हैं गाइस। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उनके लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी जिम करते हैं, जो भी लड़के करते हैं, टीनेजर करते हैं, उन तक के ये वीडियो जाए। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो गाइस, और प्लीज़ मेरे साथ प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करो कि जहाँ पे भी वो हो बहुत ही अच्छे हो और खुश रहे वहाँ पे जहाँ पे भी हो। थैंक यू गाइस, बिलीव दैट, जय हिंद, दिस इज माय वर्ल्ड्स नेम, थैंक यू गाइस।